तो यार भाई अभी हाल सबके सब एक ही काम में लगे हैं, मोबाइल चलाने में और बहुत सारे गेम खेलने के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर कहीं जा नहीं सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लगातार मोबाइल में गेम खेलोगे या फिर कोई मूवी वूवी देखोगे तो आपका मोबाइल हीट हो जाता है, उसके बाद लेग मारने लगना है, अटकने लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आप सभी के लिए बनाया है यहाँ पर मोबाइल कूलिंग सिस्टम। ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसको आप अपने मोबाइल के पीछे अटैच कर सकते हो और इसको बाद खोल भी सकते हो, ठीक है। तो यार भाई ये जो छोटा सा डिवाइस है आपके मोबाइल को कूल रखने वाला है, आप कितना भी गेम खेलो इसको आप गर्म नहीं होने देगा। फ्रेंड्स इस डिवाइस को आप लगा सकते हो अपने मोबाइल के पीछे और अनलिमिटेड गेमिंग खेल सकते हो, जब तक आपका मोबाइल के अंदर बैटरी है, जब तक आप गेम खेलते रहोगे, क्योंकि आपका मोबाइल इससे लगाने के बाद बिल्कुल भी गर्म नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, चालू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना डिसलाइक क्यों कर रहे हो। चालू करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं मिनी एग्जॉस्ट फैन लेने वाला हूँ और ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप पर या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और अब यहाँ पर मैं एक हीट सिंक लेने वाला हूँ और ये मैंने पुराने सर्किट के अंदर से निकाला है, टीवी का सर्किट था उसके अंदर से निकाल लिया है। आप भी अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कहीं मिल जाती तो उसके अंदर से निकाल लेना। तो अब यहाँ पर क्या करने वाला है कि हीट सिंक की लंबाई काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो हमें इसके ऊपर फैन रखना है और फैन के हिसाब से इस हीट सिंक को कट कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से कट कर लिया है। अब इसको पीछे की साइड से एकदम स्मूथ करना होगा, तो यहाँ पर सैंड पेपर ले रहा हूँ और सैंड पेपर लेने के बाद इसको इस टाइप से घिस देंगे। तो गाइस पीछे से भी इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक पीवीसी पाइप लिया है और 5.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्किंग लगा दी है और इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। फाइनली गाइस इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और बीच में से भी यहाँ पर एक कट लगा दिया है। अब इसको गैस पे गरम करेंगे, गरम करने के बाद इसकी एक शीट बना लेंगे बिल्कुल सीधी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, इस टाइप की एक शीट बना ली है। अब आप जो भी मोबाइल यूज करना वाले हो उसको यहाँ पर इस टाइप से हमें रखना होगा इसके ऊपर, और रखने के बाद इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा लंबी साइज में कट कर लेना, थोड़ा सा बाहर इधर की साइड में निकालना है, थोड़ा इधर की साइड में निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने मार्किंग लगा दी और जहाँ पर मार्किंग लगाई है वहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर इस शीट को मैंने इस टाइप से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो हीट सिंक है उसको इस टाइप से रखने वाला हूँ और यहाँ पर मार्किंग लगा देंगे इसकी। तो गाइस अब यहाँ पर इसको मैं माइका कटर के द्वारा कट कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारा होल हो चुका है और यहाँ पर जो हमारा हीट सिंक है इसके अंदर इस टाइप से आ जाएगी। तो अभी हीट सिंक को लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको शेप देनी होगी। तो हम इसको इस टाइप से रखेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा दोनों साइड से कर्व कर देंगे ताकि ये मोबाइल को पकड़ ले आराम से। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से शेप दे दिया है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से फिट हो गया, अब निकलेगा नहीं यहाँ से। तो ये हमारा माउंट बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि ये काफ़ी बड़ी साइज का है, आगे की साइड में अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको थोड़ा हम कट कर देंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा माउंट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कि ऊपर से मैंने थोड़ा इसको घिस के राउंड शेप दे दिया है दोनों तरफ से, और पीछे से मैंने इस टाइप से इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब हमारा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर यहाँ पर इजीली इस टाइप से फिट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे से ज़्यादा नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। अब हमारे हीट सिंक है जो इसको यहाँ पर इस टाइप से अटैच कर देंगे अंदर की साइड से। अब सुपर ग्लू से इसको चिपका देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो फैन है सीपीयू फैन, इसको यहाँ पर इस टाइप से अटैच करना होगा।
तो गाइस फाइनली यहाँ पर इसको मैंने एक स्ट्रैप से चिपका दिया है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पावर देना होगा मैं फैन को ताकि ये रन कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर एक मिनी यूएसबी जैक लगाने वाला हूँ, जिससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो मोबाइल से डायरेक्ट या फिर पावर बैंक से डायरेक्ट इसके अंदर सप्लाई दे देंगे। इसका कनेक्शन का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर रेड कलर का वायर, और जहाँ पर माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर ब्लैक कलर का वायर हमें कनेक्ट करना है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर कनेक्शन हमारा हो चुका है इसके अंदर, और यहाँ पर एक मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका दिया ऑलरेडी ताकि ऊपर रहे, क्योंकि हम इसके अंदर जब हमारे पिन लगाएंगे तो वो नीचे रहेगा तो नहीं लग पाएगी पिन, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सुपर ग्लू लगा देता हूँ और इसको चिपका देता हूँ। फाइनली हमारे यहाँ पर मोबाइल कूलर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ पर हमने सप्लाई पिन लगाई जिसके अंदर हम यहाँ पर सप्लाई देंगे और हमारा फैन चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद क्या है कि ये हमारे मोबाइल के जस्ट पीछे की साइड में रहेगा, तो ये मोबाइल जब गर्म होगा तो हीट सिंक हमारा गर्म हो जाएगा, इसकी जो गर्मी हीट सिंक में चली जाएगी, और हीट सिंक में जाने के बाद यहाँ पर जो पतली पतली पिन से दिख रही है आपको ये पट्टियाँ, ये थोड़ी हीट होगी, और हीट होने के बाद यहाँ पर ये फैन जो है ये हमारे वातावरण से ठंडी हवा को लेगा और उसके बाद इस हीट सिंक को ठंडा रखेगा। ये हीट सिंक ठंडी होगी जिससे हमारा मोबाइल भी ठंडा रहेगा, जिससे मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो जब ठंडा रहेगा तो हमारा काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर मैं इसको लगा कर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो फाइनली हमारे यहाँ पर ये लग चुका है इस टाइप से, और देख सकते हो कितना आगे से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा हमारा, और पीछे से भी ज़्यादा कोई बड़ा नहीं दिख रहा। आप जैसे फोर फिंगर भी खेलते हो, जैसे मैं फोर फिंगर खेलता हूँ मोबाइल में, तो इस टाइप से अगर चलाओगे तो आपको कोई पीछे से टच नहीं होगा ये, और आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर आपका मोबाइल हीट हो रहा है वहाँ पर इसको फिट कर दीजिए। तो फ्रेंड आप यहाँ पर इसको चलाकर दिखाता हूँ आप सभी को। मेरे पास यहाँ पर एक यूएसबी केबल है, इसको हम इसका कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एक पावर बैंक है, ये पावर बैंक मैंने खुद ने बनाया था, और अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हो, काफ़ी आसानी से कम रेट में आपका पावर बैंक बनकर तैयार हो जाएगा डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पर दो यूएसबी लगा सकते हो आप। उसके बाद इसका अगर ये वाला नहीं है तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा ये अच्छे से वर्क करना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो पावर बैंक से ये चल रहा है यहाँ पर, और कोई हमारा बाहर से पावर नहीं आ रहा है, सारा का सारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इससे टाइप से भी लगा के खेल सकते हो, और मोबाइल से भी चला सकते हो, मोबाइल में आपको OTC केबल की जरूरत पड़ेगी, उसका आप कनेक्ट करके चला सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको मोबाइल से लाकर दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर OTC केबल का हमें यूज़ करना पड़ेगा, OTC कनेक्टर जो होता है उसका। तो यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, और ये जो मोबाइल है इस मोबाइल के अंदर लगाते हैं, और उसके बाद ये जो पिन है इस पिन को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो जैसे ही हमने इसमें कनेक्ट किया, हमारा जो फैन है यहाँ पर चालू हो चुका है, तो इसमें आप छोटी डाटा केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसे डायरेक्ट मोबाइल से नहीं चलाना चाहते हो कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हो, पावर बैंक से चला सकते हो, या फिर डायरेक्ट हमारा जो एडाप्टर होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जैसे हमारे हीट सिंक को ठंडा रखेगा, हमारा मोबाइल भी ठंडा होने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसे एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ, मैं गेम खेल के दिखा देता हूँ आप सभी को। फिर तब यहाँ पर इसके अंदर गेम खेलते हैं और देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस आती है। वैसे ना मैं गर्मी में जब भी गेम खेलता हूँ तो हमारा मोबाइल हीट होने लगता है और लेग करने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं लेग होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें पिन हम लगा देते हैं, और हमारा यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें चलाते हैं हम COD। बहुत अच्छे।
सो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा जो ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ रहा ना कोई लेग मारा इसने। आप बोलोगे वन प्लस है मेरे पास इसलिए लेग नहीं मारा, लेकिन भाइयों अभी इतनी गर्मी है कि वन प्लस भी इसमें लेग मार रहा था। मैं कुछ टाइम पहले खेल रहा था इसलिए मेरे को आइडिया आया कि मैं आपके सभी के लिए बनाकर दिखाऊं। तो भाइयों कैसा लगा आपको ये वाला डिवाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आप सभी के लिए इसे छोटा से छोटा बनाया और इसके पीछे इस टाइप से लगा दोगे आप तो आपको फोर फिंगरिंग खेलते हुए आप मोबाइल को पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी सी डिवाइस है इस टाइप की। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बता देना क्यों डिसलाइक कर रहे हो, उसको मैं आगे वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर वो गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।